काका जो भी है। शिट अंकल, हमें भी मूंगफली खा जाओ। चलो एक गाना सुना दो इसी खुशी में। गुस्सा, वाह दिल में लग गई है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजीज व्लॉग। मैं हूँ अंजलि घिल्डियाल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो अभी मैं छत में आई थी वीडियो अपलोड करने के लिए। मैंने ना सुबह से वीडियो लगा रखा था, सुबह 7 बजे से। तो सुबह 7 बजे से वीडियो अपलोड करने के लिए रखा है, और अब 8:30 हो चुके हैं। तो 8:30 बजे पहले तो ऐसा माहौल है, बिल्कुल धूप नहीं आ रखी आज तो। ठीक है, सूरज दिखाती हूँ मैं आपको, वो देखो बादलों के बीच में छुपे हुए हैं सूरज, चाचा काका जो भी हैं। ठीक है, तो फिर नहीं आ रखी धूप और वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, इसलिए मैं ऊपर छत में रखने आई हूँ इसको। और बस यहाँ पे शायद अच्छे नेटवर्क आएंगे और वीडियो जल्दी अपलोड होगा। तो बहुत देर हो गई यार अपलोड करने में, 2 दिन से तो कुछ डाल ही नहीं रही थी मैं। तो अब फटाफट वीडियो अपलोड करके नीचे जाती हूँ, और थोड़ा बहुत काम बचा है वो करते हैं। सो गाइज, मैं छत में आ गई हूँ थोड़े कपड़े वगैरह डालने के लिए, और मेरी वीडियो देखा मैंने कि अपलोड हो चुकी है। अभी 9:10 हो रहे हैं, 9:10, मुझे नहीं पता कब हुई होगी, हो गई होगी शायद 9 बजे तक हो गई होगी। तो मतलब जल्दी हो गई है, देखा आपने, मतलब 85% वीडियो अपलोड होने के लिए बचा था जब मैं 8:30 बजे मतलब 8:40 पे आई थी मैं अभी छत में। तो 20 मिनट के अंदर अंदर वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो यही फ़ायदा है कि नेट जल्दी चलता है छत पर, अच्छा चलता है, तो इस वजह से छत पे जाओ और अपलोड करके नीचे आ जाओ। तो फिर अभी मैं चलती हूँ थोड़ा और काम अपना करने, तो आप तब तक मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए। तो गाइस, मुझे ना अभी टाइसन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने ना झाड़ू लगा दिया था, और इसको देखो, इसने यहाँ पे पूरा कीचड़ 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 कर दिया। और भी कह था दोबारा से करना पड़ेगा। सो गाइस, हमारे घर के बाहर आए एक बुड्ढी के बाल वाला, आपको लेने जा रहा है, दोबारा से बचपन याद। अरे बाहर से कुंडी लगाई है भाई ने। शिट अंकल, हमें भी बुड्ढी के बाल दे दो भैया, हमें भी बुड्ढी के बाल दे। जा छत में से बुला उसे, यहाँ से भी नहीं दिखेगा ना। तो चलो छत में जाके देखते हैं हम भी। टाइसन उसके ऊपर ऐसे भोंक रहा है जैसे पानी क्या चोरी करके ले जा रहा है वो। टाइसन, बुड्ढी के बाल आए हैं, बुड्ढी के बाल। यहाँ नानी और टाइसन, और वो बुड्ढी के बाल। बुड्ढी के बाल बल, बुड्ढी के बाल। हाँ, नानी अपने बालों में हाथ लगा रही है, मेरे तो नहीं ले गया। नीचे ले गई थी वो मैं। नानी हेलो बोल दो, हेलो उन्नी, हेलो कह दो। हेलो। तो ये हमारी नानी धूप सेक रही है ना नानी। आपको का मन था बुड्ढी के बाल लेने का, पता नहीं। एक मिनट है, एक मिनट है ना, अगले बुलाना है क्या? बुलाना है, बुला लो। मैंने उसे बुलाया, वो कह रहा कि अभी आ रहा हूँ। और मम्मी को रखा वहाँ हल्ला नीचे, मम्मी कह रही क्या लेने बुड्ढे के बाल। अच्छा बाल नहीं दे दी, मैं बाल नहीं होते वैसे ही होते हैं वो, मीठे खाने के लिए छोटे बच्चों के। चला गया वो छोटे बच्चों को। अरे चला गया वो टैसू, चला गया वो। तो मैंने यहाँ छत में आई थी, और यहाँ पे कल से तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और बिल्कुल भी हम लोग कल बाहर नहीं आए और वीडियो नहीं बनाई, कुछ थोड़ी सी बनाई थी फिर उसके बाद नहीं बनाई। तो अभी का मौसम मतलब इतना अच्छा हो रखा है, और अभी छत के हाल देखो तो पूरी की पूरी गीली हो रखी है, मतलब कहीं पर भी बैठने के लायक नहीं है। तो छत पूरी की पूरी गीली हो रखी है, और लेकिन यार जो मौसम हो रखा है ना, मतलब एकदम कमाल का। अभी सुबह ना 5-10 मिनट के लिए, 5-10 भी नहीं, मतलब आधे घंटे के लिए धूप आई, इतनी तेज़ धूप आई,
और फिर उसके बाद ये दोबारा से हो गया। पीछे का मौसम आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बट अभी भी हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो हम लोग अपने अपने घरों में घुसे पड़े हैं, अपनी अपनी रजाइयों के अंदर, और बस। तो अभी अभी और आप ना गैस नहीं कर सकते, अभी का टाइम आपको लग रहा होगा सुबह का टाइम है, है सुबह का ही टाइम, लेकिन अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और ये टाइमिंग हो रही, मतलब ये सीन हो रखा है अभी भी। तो मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ठंड हो गई है और काफ़ी हो गई है। सो गाइस, अभी अभी धूप आ चुकी है और मम्मी नानी और भाई छत में चले गए हैं, हम भी जरा धूप सेक के आ जाते हैं। पूरे एक दिन बाद धूप आई है, मतलब कल से बारिश पड़ रही थी पूरे दिन, और सुबह मैंने आपको छत का हाल दिखा दिया था। अब यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, हेलो कर दो भाई। हेलो, मूंगफली खा जाओ, मूंगफली का मजा ले। नानी हेलो, नानी का हेलो जरूरी है, नानी हेलो ही नहीं करती। यह मक्का भी आ रखा है यहाँ तो। हाँ देखो, मक्का जनवरी के महीने में मक्का हो रखे हमारे, देखो इसलिए मैं ये हरी लाई, किसी को यकीन नहीं आएगा इसलिए मैं हरी तोड़ के लाई कि किसी ने बोलना है ये ऐसे सूखी दिखा रही जनवरी के महीने में हो रखे। देखो ए, ए। चलो तो आ जाओ मुंगरी खाने। आओ भाई, जिसको खाना है हमारे घर में मुंगरी इस टाइम पे हो रही है, मतलब मक्का और धूप हो रखी है। वही थी नानी, लोग बहुत सारे लोग, कुछ बोलना लोगों को, बोल रहे आ जाओ मूंगफली खा जाओ। एक चुटकुला सुना दो। क्या सुना रहा है? मूंगफली खा जाओ, गाना ही सुना दो। गाना आता ही नहीं। क्यों नहीं, वो आप मेरे को कल नहीं सुना रहे थे? सुनाओ उसको, सुना दो। मेरी नानी शर्मा दी अभी। और कुछ मम्मी? मूंगफली खा जाओ, मूंगफली मूंगफली, धूप सेक जाओ, धूप सेक जाओ, मक्की का मजा ले जाओ जनवरी के महीने में, मक्की के महीने है ना। नहीं है ना, नानी बोलेगी क्या चल रहा है इनका, एक कार्टून बंदी रोज रोज मेरे को ले लेते हैं वीडियो में, है नानी, है ना। चलो एक गाना सुना दो इसी खुशी में, सुना दो ना। नानी मेरे तरफ पीढ़ी है, नानी सुनाओ तो सही। आप मुझे परसों एक गाना सुना रहे थे, याद आ रहा है आपको? गालू गुलो बंद वाला सुना दो। चलो ये मम्मी, ये क्लिप कौन सी ली आपने, नई तरह की क्लिप? ये स्टाइल, ये मम्मी का स्टाइल है, बाबू राव का स्टाइल है। इसको देख, फोटोशूट चल रहा लड़के का। सुंदरी टाइसन, लूसी आ गई, लूसी 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 के नाम से भोगने लग जाता। यहाँ पे एक डॉगी आ रखा है और टाइसन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। वो देख, तेरे तेरे मोहल्ले में आ गया, देख शु, शु, आपके मोहल्ले में आ गया वो। गुस्सा शु, कितना प्यारा डॉगी है यार मेरा, कितना प्यारा डॉगी। सुंदरी तो गाइस, आज बहुत मुश्किल से धूप आई है और मेरे पास ये दोनों चंकू बंकू, ओ तेरे सूटे सूटे करे दा, दोनों आए हैं। अरे भाई अपनी शक्ल तो दिखा, हीरो शक्ल, अपनी शक्ल दिखा, तो आए यहाँ पे ससा हीरो। तो ये दोनों मुझे कह रहे थे कि दीदी हम लोग आपको शायरी सुनाएंगे। भाई शायरी पहले, हाय हेलो, हाय हेलो, यो, ये स्टाइल मारना था मतलब, अच्छा। हाँ तो ध्यान जी, आज हमें एक शायरी सुनाएंगे। मैं बड़ी सुना रही है, इनको लाए, ये लाए। आपको चकना चूर अच्छा लगता है या फिर बिखरना?
अभी करना ज्यादा सूट कर रहे हैं या फिर चकनाचूर? दोनों से कोई नहीं। देखो टूटे हुए कांच की तरह, चकनाचूर या फिर बिखरना? मुझे बनना। चकनाचूर बोल देता हूँ। फिर टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। वाह, दिल में लग गई है तो दिल में। भाई अब आपकी बारी। मैंने कुछ नहीं लाया। ध्यानी सुना दे रहा है। कुछ नहीं लाया मैं। कल वाली कल सुना दे। कल वाली कुछ तो सुना। कावे भैया को आती है। इरशाद इरशाद चलो रुको पहले कावे भैया एक और सुना दो। यार ये क्या बात हुई यार, तुम क्यों आए हो फिर शायरी सुनाने? स्पेशली आए हो बस हमें आ नहीं रही। सुना भाई। नहीं आती यार, बेकार है। दोनों निकम्मे बच्चे हैं। तो अब आइए ध्यानी जी की बारी, सुनाइए ध्यानी जी। आइए आइए। हाँ, चूहे पहाड़ खोदते हमको तो आसमान फाड़ना है कि चूहे पहाड़ खोदते हमको तो आसमान फाड़ना है, ले तेरा बाप खड़े सामने खड़ ले जो खड़ना है। किसको बोला ये तूने? ये मैंने छोड़ो। ये तो मैंने सुनाई है, अब इनसे पूछो इनको आती है। नेक्स्ट। मुझे तो नहीं आती। नेक्स्ट। मैंने आपको सुनाया था तो आपने हाँ, निकाली थी वो, मेरे को याद करने दो, माइंड फ्रेश होने दो। कुछ भी मतलब कुछ यार, कुछ भी काम नहीं आ रहा। सो गाइस ये दोनों मेरे पास आए थे कि दीदी हमारी वीडियो बनाओ, हम शायरी सुनाएंगे। एक भी शायरी नहीं आई। भक क्या कर रहे हो तुम दोनों? सुना क्या वही वाली? जो कोई बढ़िया से सुना, मजा आना चाहिए एकदम, जैसे पहले वाली दिल पे लगी ना, जैसी वैसी दिल पे लगी। दिल पे कौन सी लगी? अभी वाली कांच वाली। तो इसमें क्या करना है? छोड़ यार। ध्यानी जी एक और क्या शायरी, वंस मोर यार। अबे क्या हो तुम दोनों? भाई इनको कोई शायरी वायरी नहीं आ रही, बस खत्म ना, बाय कर दो चलो। हम उठा दे कुछ तो बोल दो। बाय बाय दीदी। गाने में भी याद कर रहा है कि बाय नहीं बोलूंगा तब तक जब तक आ नहीं जाती याद, है ना? है ना बेटा, मुझे सब पता। मैं तू है जीहान? नहीं मैं इस चैनल पे दीदी उसे क्या कहते हैं जब कुछ किसी चीज का वो करना होता है, क्या करना होता है? प्रमोशन। हाँ मैं इस चैनल में कैरी मिनाटी का प्रमोशन करता हूँ। अब हट निकल तू यहाँ से, हट कर यार। मतलब कैरी मिनाटी को प्रमोशन की जरूरत ही क्या है? बताओ तो। मेरे को जरूरत है, मेरी करनी। मेरी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, फॉलो भी कर देना इंस्टाग्राम पे। अब तक के लिए इतना, बाय बाय, गुड बाय बाय। तो शायरी वाले दोनों कार्टून जा चुके हैं और आप देख रहे हैं अभी, मतलब अभी धूप आई थी और अभी चले गए। क्या यार, मतलब ऐसे हो रहा है ना मौसम, कभी भी 2 मिनट में ऐसे चेंज हो जा रहा है जैसे बस वो हो गया। ये क्या था वो डायलॉग याद नहीं आ रहा, वो जज्बात बदल गए समथिंग डायलॉग था ना, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। वैसा ही हो रहा है मौसम। तो मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? आलू छिल रही। अच्छा तो मम्मी यहाँ पे आलू छिल रही है। अमीर नानी हम खड़ मूंग रही पका में ही है ना नानी? ये देखो जी, ये देखो धन्यवाद नानी। और ये क्या सीन है, मतलब सीटी तो है नहीं इसमें? सीटी तो है नहीं, बिना सीटी के कैसे मार गए वो है मम्मी? ये क्या बात, नानी को चूल्हे का पकाया हुआ मक्का ज्यादा पसंद है, हमें भी वैसे, पर हमारे पास चूल्हा नहीं है तो हम गैस में पका लेते हैं। और जिस जिसको जनवरी के मौसम में मक्का खाना है वो आ सकता है हमारे घर पे, है ना मम्मी? हाँ मतलब 1-2 दिन में आना पड़ेगा वरना खत्म हो जाएगी, ठीक है? कल या परसों में आना पड़ेगा आप लोगों को वरना खत्म हो जाएगी, ठीक है? बस का बोल हमारे जानी, बस का। कौन कह रहा था ऐसा? बस का। हेलो हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर, हेलो नानी। कसम से बहुत फनी है, बहुत ज्यादा फनी है। वैसे मम्मी बन क्या रहा है आज? आज मैं छोले बना रही हूँ। तो मम्मी आज छोले बना रही है। तो नानी और कुछ बना तुम? ना कुछ तो बोल दो, गाना ही गा दो यार, दिन में नहीं गाया आपने गाना। क्या गाना है? कुछ चुटकुला ही सुना दो कुछ।
कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ चुटकुले नहीं। नानी खुद ही चुटकुला है। हेलो मम्मी, अब मुझे समझ में आया जो मेरी मम्मी इतनी फनी है वो कहाँ से आया है। नानी से आया है, है ना नानी। तो फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है तो हम बस अब खाएंगे छोले भोले, है ना नानी। नानी आप बोलो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा बाय।